मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में आज खूब धन वर्षा हो रही है। अगर कारोबार की हम बात करते हैं, जिसमें रियल एस्टेट है, सराफा, कपड़ा बाजार, बर्तन बाजार और ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो ये जो पूरा कारोबार है वो लगभग 2500 करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम सिर्फ बात करें तो लगभग 1000 करोड़ रुपए के कारोबार होने का अनुमान है। फिलहाल इस वक्त अब आपको लग्जरी गाड़ियां भी दिखाएंगे और लग्जरी गाड़ियों के साथ में आज एक मैं आपको आंकड़ा बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आज मिनी मुंबई में हर एक मिनट में 12 बाइक और 5 कारें बिक रही हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के ज्वाइंट सेक्रेटरी विशाल जी हमारे साथ, उनसे बातचीत भी करेंगे। इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ जी, नमस्ते, दिस इज़ विशाल पमनानी। यस, इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, बल्कि आज तक का देखा जाए तो ये कोविड के पहले के बिजनेस की रिकवरी है एंड काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है बिजनेस में। लगभग कितनी गाड़ियाँ आज बिकने का अनुमान है? हम यहाँ पे आज टाटा मोटर्स की 551 गाड़ियों की डिलीवरी कर रहे हैं। अच्छा जी हाँ। और ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, तो कितनी गाड़ियाँ आज बिकने का अनुमान है? आज इंदौर में करीबन 4000 गाड़ियाँ बिकेंगी कारें, और करीबन 12000 टू व्हीलर बिकेंगे। और हाँ जी, और कमर्शियल सेगमेंट में अलग गाड़ियों का मूवमेंट रहेगा, और कमर्शियल में करीबन 125 से 150 करोड़ का बिजनेस वहाँ पे भी होगा। और प्री ओन्ड गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर्स हैं और रिक्शाज हैं, तो उनका भी मूवमेंट रहेगा। तो कस्टमर की बात की जाए तो किस सेगमेंट इस बार कस्टमर सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, इस बजट क्या उनका? बजट इस बार जो आ रहा है वो 8 लाख से 15 लाख के बीच के सेगमेंट में रुझान ज़्यादा है, और सेफ्टी और जिसमें एयरबैग्स वगैरह ज़्यादा हैं, फीचर्स हैं, उनको मॉडल्स को प्राथमिकता मिली जा रही है। चलिए आपके साथ चलते चलते कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, जो धनतेरस के दिन गाड़ी खरीदने के लिए आए। चेहरे पर मुस्कान है और कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरे पर काफ़ी मुस्कान है, क्योंकि इस बार आर्थिक ये राजधानी में 2500 करोड़ के व्यवसाय का अनुमान है। गाड़ियाँ खरीद ली आज आपने, आज की डेट पहले से डिसाइड किया था? हाँ हाँ, हमने आज की डेट डिसाइड की थी। आज धनतेरस है और हमें हमारी टाटा कब घर चाहिए थी, टाटा घर भी चाहिए थी, मेंबर के रूप में, फैमिली मेंबर के रूप में ही है, इसलिए हम उनको साथ में लेके गए मेंबर को लेने के लिए। हाँ। अच्छा, कितना इंतजार रहता है धनतेरस का खास तौर पे, या पहले से प्लानिंग रहती है कि इसी दिन हम? हमने पहले से ही प्लानिंग की थी, हमें ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए बुक करके, और हमने ये डेट डिसाइड की थी कि हमें इसी दिन चाहिए। इसी दिन चाहिए। हाँ। बिल्कुल, तो डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी शुभ काम है वो धनतेरस के दिन करेंगे। और आज मिनी मुंबई में सुबह से लेकर देर रात तक गाड़ियां बिकती रहेंगी, और जिसमें 2.5 करोड़ रुपए की कार है और 50 लाख रुपए की बाइक भी शामिल है। तो आज 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर का कारोबार होने जा रहा है, यानी आर्थिक राजधानी में आज धन की खूब वर्षा होगी।